बात कर लेते हैं भारतीय कृषि निर्यात के बारे में। आपको बता दें, खबर निकल के सामने आई है कि भारत का कृषि निर्यात उछला है। भारत के कृषि निर्यात में पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी तेजी बनती भी नजर आई है। तो भारत से कृषि निर्यात में काफी उछाल देखा जा रहा है। 18% की वृद्धि के साथ निर्यात का आंकड़ा अब $10 अरब तक पहुंच गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपीडा के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस वित्त वर्ष में 18% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अपीडा के माध्यम से 37 कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अपीडा ने $8.51 अरब का निर्यात किया था, जो कि इस बार ये बढ़कर $10 अरब तक पहुँच गया है। गेहूँ, मक्का, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में काफी तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात की इस गति को बनाए रखने में वित्त वर्ष के दूसरे हिस्से में चुनौती आएगी, क्योंकि सितंबर में निर्यात में सिर्फ 4% की वृद्धि देखी गई है। बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में रिकॉर्ड 12.3% की वृद्धि देखी गई है, लेकिन 110% की रिकॉर्ड उछाल मक्का और गेहूँ के निर्यात में देखने को मिली है। वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही के दौरान मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 20.7% बढ़कर $1.9 बिलियन हो गया। इसी तरह काजू निर्यात में 31.6% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। वहीं ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का एक्सपोर्ट 34% तक बढ़ा है। तो यानी कि भारत के कृषि निर्यात में इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लगभग 18% की तेजी बनती हुई नज़र आई है। गेहूं, मक्का, डेयरी, पोल्ट्री, फल सब्जियां, गैर बासमती चावल और काजू के एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी खासी शानदार तेजी देखने को मिली है, जो कि भारत की GDP के लिए और भारत के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना निर्यात होगा भारत के किसानों को उतना फ़ायदा होगा। निर्यात ज़्यादा होने से घरेलू स्तर पर उनके उत्पादों की जो कीमतें हैं वो अच्छी मिलेंगी और जो निर्यात मांगे विदेशों में भी बढ़ती रहेगी अगर क्वालिटी भी अच्छी रहती है। 18% की तेजी के साथ इस बार भारत के कृषि निर्यात में तेजी आई है और लगभग $10 अरब तक पहुंच गया है। फिलहाल मार्केट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।